गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आई हो आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ 6:11 पे। तो इस व्लॉग का स्टार्ट करने का कारण ये है इतनी लेट, क्योंकि आज था मेरा एग्ज़ाम सुबह सेशनल्स। मैंने आपको बताया था मेरे पहले 23 से थे एग्ज़ाम और अब 29 से हो गए हैं, और आज है 29 डेट और 29 मई। और मेरा एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा हो गया सेशनल, पर इतना अच्छा भी नहीं हुआ, काफ़ी वैसे अच्छा हो गया, बाकी ठीक ठाक होगा। इसका कोई ज़रूरी नहीं रहता है सेशन, ये थर्ड सेशन हमारे साल में 3 सेशनल्स होते हैं 40-40 नंबर के, और 2 सेशन देने ज़रूरी होते हैं। दोनों में अगर अच्छे नंबर आ गए तो थर्ड मत दो, और तुम्हारे भाई के तो दोनों में बहुत बढ़िया हैं और थर्ड में मेरे बढ़िया नहीं है, और इसलिए मैं इतना सीरियस नहीं लिया। और जितना आता था मेरे को मैंने करके और छोड़ के वापस आ गया, और आते ही भाई गाइज इतना मेरा सिर दर्द हुआ ना कि आपको मैं बता नहीं सकता। आते ही मेरे को आ गई नींद, गोली लेके मैं हो गया सो गया। फिर उसके बाद 2-3 घंटे मैंने किया रेस्ट, रेस्ट करने के बाद फिर जाके मेरी आँख खुली और तब जाके थोड़ा अच्छा लगा, और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ व्लॉग। इस यही कारण है मेरा आज व्लॉग स्टार्ट करने का। और आज गाइस एक और मस्ती होने वाली है, और रात को आज हम हमारे है पार्टी हमारे सिरसा में एक रचना पैलेस है। रचना पैलेस में आज एक लड़के की है रीत, मतलब रीत को कहते हैं जैसे कि जन्मदिन, उसका लड़के का जन्मदिन है, और उन्होंने हमें इनवाइट किया रचना पैलेस में, और आज हम आपको दिखाएंगे रचना पैलेस में बर्थडे सेलिब्रेशन। और हाँ गाइज एक और गुड न्यूज़ है, पबजी मोबाइल इंडिया अनबैन हो चुके हैं इंडिया में, और मैंने आज सुबह की थी अपडेट कर ली थी, 700 MB की थी, और उसके बाद जब चलाई तो चली नहीं भाई साहब, फिर से वही बात। और फिर उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सलाह दी, कहता कि पहले नेट बंद करके फिर चला, और भाई उसके बाद चल भी पड़ी, फिर नेट बंद करके मैंने फिर चलाई, चल पड़ी। तो गाइज अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपने पबजी मोबाइल इंडिया डाउनलोड की है, तो आप पहले उसको डाउनलोड करके उसको 700 MB जो अपडेट है उसका अपडेट करके, और उसके बाद उसको ऐसे मत चलाओ, उसको रिस्टार्ट करो। रिस्टार्ट करके मतलब अपना उसका जो नेट है आपके फ़ोन का नेट एक बार बंद कर दो, बंद करके फिर चलाओ। जब फेसबुक वाले लॉगिन पर आ जाएगा तो उसको आपको लॉगिन करना और तब नेट चला लेना, तब आपकी जो पबजी मोबाइल इंडिया है वो चल पड़ेगी। अभी हम जा रहे हैं सिकंदरपुर, हमारे यहाँ पे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है सिकंदरपुर, वहाँ पे हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमें थोड़ा काम था, तो चलो भाई चलते हैं। पर बाकी गाइस आज मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा है, काफ़ी बढ़िया हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है, नहीं तो 3-4 दिन से तो पहले बहुत गर्मी हो रही थी, और रोज भाई आंधी आंधी आ रही है रोज के रोज। और गाइस ये बताओ ये कौन सा मिरर है, कमेंट में बताना गाइस कौन सा मिरर है। और गाइस अभी हमने सामान ले लिया जो सामान लेने आए थे सिकंदरपुर, और अभी हम अपने घर पे जा रहे हैं। तो गाइस अभी मैं अपने घर पर आ चुका हूँ, और एक और अच्छी न्यूज़ है जो कि है हमारे यहाँ पे सिरसा में अटलांटिक पार्क खुल चुका है, अटलांटिक वाटर पार्क खुल चुका है, और ये काफ़ी टाइम से खुला हुआ है पर मैं इसकी वीडियो आज बना रहा हूँ। और ये हिसार रोड जो पड़ता है सिरसा में हिसार रोड पे जीडी गोन का स्कूल के सामने इस है वाटर अटलांटिक पार्क। और देखेंगे अगर ये सेशन मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, 3 तारीख को लास्ट मेरा एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही 4 या 5 तारीख को मैं जाऊँगा वाटर अटलांटिक पार्क, और आपको मैं वहाँ का व्यू दे दूँगा कैसा है कैसा नहीं है। उसकी फ़ीस शायद मेरे को लग रहा है लगभग 300 है कि पता नहीं 900 है उसकी फ़ीस, और आपको मैं दिखाऊंगा वाटर अटलांटिक पार्क अंदर से कैसे है कैसे नहीं है। कई यूट्यूब व्लॉगर्स ने वीडियो बना दी है, और मैं आज 4 या 5 तारीख को पक्का जाऊंगा, आपको मैं दिखाऊंगा वाटर अटलांटिक पार्क। तो चलो गाइस मैं आपको सीधा मिलता हूँ पार्टी में आपको सीधा।
और गाइस अभी वापस घर पर आ चुका है और अभी मैं पहुंचा था और आज काफ़ी हेक्टिक डे था और अभी इंजॉय करके बढ़िया आ चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा आ रही है नींद, तो अभी मैं जाके सोऊंगा और मैं आपको कल सुबह ही मिलूंगा यार। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड आई होप आप सबको मेरे आज व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो इस व्लॉग का तो लाइक और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।